बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आफिया नूर। तो आज हम बना रहे हैं बिरयानी मसाला। बनाने के लिए सौंफ हमने लिया 25 ग्राम, धनिया लिया है 20 ग्राम, दालचीनी ली है 10 ग्राम, सफ़ेद जीरा लिया है 15 ग्राम, शाही जीरा लिया है 10 ग्राम, लौंग ली है 15 ग्राम, जावित्री ली है 15 फूल, काली मिर्च 20 ग्राम, हरी इलायची 20, बड़ी इलायची 7, जायफल 2, छबीला 5 ग्राम, कसूरी मेथी आधा चम्मच, साबुत लाल मिर्च 25, तेज़पत्ता 5, जायफल 2, स्टार अनीस लिए हैं 5 से 7। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। और अब हम गैस पे एक पैन को रखेंगे, पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे और उसमें डालेंगे सबसे पहले हम लाल मिर्च। लाल मिर्च को डालकर थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें डालेंगे धनिया, सौंफ, सफ़ेद जीरा, शाही जीरा हम आधा डालेंगे, आधा हम बचा के रख लेंगे, लौंग डालेंगे हम, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जावित्री, छबीला डालेंगे हम, स्टार, हरी इलायची और तेज़पत्ता हम तोड़ के डालेंगे। और इसे चलाएंगे। चलाते हुए हम थोड़ी देर इसे भूनेंगे। ये मसाला हमने 10 किलो चावल की बिरयानी के लिए बनाया है। 1 किलो चावल में हम 1 से 2 चम्मच मसाला यूज कर सकते हैं। मसाले को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, करीब 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए भूनेंगे। बंद करने के बाद भी हम मसाले को चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे का मसाला हमारा जल सकता है। मसाला हमारा बन चुका है और हम गैस को बंद कर देंगे। और अब डालेंगे जायफल और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मसाला हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इसे एक जार में डालकर बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर हमारा बन चुका है और इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं 5 से 6 महीने के लिए एयर टाइट डिब्बे में। अगर आपको मेरी ये बिरयानी मसाले की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।